know about the Ahmadi sect because I only know that कि वो ये मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी नहीं हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप उनके बारे में मजीद थोड़ा हमें बताएं। उनका सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीज को नहीं, वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, वो खातमुन नबियीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल हैं और वो खातमुन नबियीन हैं। अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है, इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, वो रसूल जिसे पैगाम भेजा गया है उसे नबी कहेंगे। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी है, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते हैं नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल जिसका मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। तो कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो कि बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते हैं। तो ये लोग गलत मानी लेकर कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल निचला दर्जा है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते हैं और कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल आएंगे। उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफर है। कुफर मतलब वो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। यही वजह है कि वो मुनहरिफ है, वो मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीरज ढिंगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि एक सवाल का ही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा जाकिर साहब, मेरा ख्याल आप परसों के, आप फ्राइडे दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर को ये देखने के लिए कि यहाँ के इंतजामात कैसे चल रहे हैं। मुझे लगा कि आप शायद ख्वातीन की बराबरी के बारे में बात करेंगे, उनको यहाँ पर बराबर का दर्जा देंगे, उनको बराबर नहीं यहाँ पर आधा बिठाएंगे। भले औरत की तादाद कम है, लेकिन उनको कम अज कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। अच्छा सवाल किया है, मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है सवाल में। कि जब मैं एक दिन पहले आया और इंतजाम देखा, तो औरतों को बराबरी क्यों नहीं दी गई? क्वांटिटी के हिसाब से तो बराबर नहीं दे सकते हैं, बराबर दिए थे, इतने ज्यादा किया था, लेकिन औरतें नहीं आई तो कम कर दिया। पहले तादाद पे आऊंगा, फिर पोजीशन पे आऊंगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको भी मौका दूंगा। तो पहले अगर तादाद की बात होती है, तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बम्बई के अंदर तकरीबन 20 से लेकर 33% तक खवातीन आती हैं, तकरीबन एक चौथाई या एक तिहाई हिस्सा। मैं ओमान में गया था तो वहाँ पर 50% खवातीन थी। तो मैंने कहा इतना बोझ क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 खवातीन थे, यहाँ भी काफी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम अज कम 7-8 गुना ज्यादा है, फिर भी दो मर्द एक औरत का सवाल। अगर हकीकत में सही हक करूं तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होने चाहिए, खवातीन में एक। तो खवातीन को मैं ज्यादा इख्तियार दे रहा हूं, बराबर के नहीं, यानी कि खवातीन सारे मजमे में 15% भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करना है तो मर्द हजरात के माइक्रोफोन आते 6-7, तो औरत के, फिर भी मैंने कहा नहीं नहीं, मर्द के 2, औरत के 1। जहाँ तक के पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं। अब बेटा बोलो काफी है। जी भाई साहब ना बोलो, बेटा बोलो काफी, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है?
30 का हूँ। 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूँगा। अच्छा, मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चले ठीक है, माफ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर मेरी उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए, आप सही पहचान गए हैं। और 40 का भी अभी 3 महीने पहले हुआ हूँ। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि ये कैमरा दिख रहा है आपको, कम अज कम 7 कैमरे लगे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमारा एक असूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो शायद आप उसे देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। अब समझ लेना, तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और फिर आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है। तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है, द लॉन्ग शॉट। मैं ये सोच रहा था कि स्टेज पर भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वो बोलूंगा मैं, उसका भी जवाब दूंगा, स्टेज का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा असूल है कि ख्वातीन को दूर से दिखाना, और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया है पीस टीवी। जब ख्वातीन का क्लोजअप दिखाते हैं तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते, तो वो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे असूल ख्वातीन की हिफाजत करने के लिए है। आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी देखते हैं, क्या करते हैं? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते हैं हम, जूम आउट करते हैं हम, जूम आउट करते हैं वो, जूम इन करते हैं, यही फर्क है। हम ख्वातीन की इज्जत करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दी हुई है। वो स्क्रीन है ना, तो वहाँ से नजदीक है स्क्रीन, तो वो मुझे ज्यादा साफ देख सकती है। आप समझ रहे हैं ना, वो मुझे और साफ देख सकती है। यहाँ तक कि खातून का सवाल है स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके तकरीर करते हुए गैर मर्द कोई उन पर घूरे, और जब वो तकरीर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलाइशिया में, सिंगापुर में, माशाल्लाह हजारों खवातीन है तकरीर की है, मजमा बढ़ाया है। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को कायम रखते हैं, जब और भी मर्द हैं जो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना, तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन ही है ऑडिटोरियम में, तो माशाल्लाह 1 या 10 खवातीन स्टेज पर बैठती और लंबी तकरीर करती पूरे पूरे दिन की, कोई एतराज नहीं, लेकिन वो सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हमारी खवातीन को इज्जत दें, कि इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए बेहतरीन तरीका इस्लाम ने इख्तियार किया है। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है, हर इंसान के दिमाग में घूमता है, वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से इंसानियत सच होनी चाहिए, मजहब एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो हमें पहले इंसानियत के बारे में बात करनी चाहिए। मैं हर मजहब की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा बात करते हैं। मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं, आपने आम शराइत के हवाले से बात की है, लेकिन नाम से ही क्यों, लेकिन इंसानियत के नाम से क्यों नहीं? भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक मजहब, एक सोच, इंसानियत, बस इतना सोच कर चलें। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं किसी औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे पहले सवाल पे आपने एक मिसाल दी थी कि जो मिनी स्कर्ट पहने और बुर्का पहने तो मिनी स्कर्ट पर नजर पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा। पहला सवाल, मेरे कई सवाल हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे कई सारे सवाल हैं। इंशाल्लाह मुझे मौका दें, वापस आपके पास आएंगे। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत, ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म, धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। तो फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान है तो उसके लिए शराइत और जवाबित की जरूरत नहीं है, तो उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल में उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है, पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है।
आप समझ रहे हैं, आप जब तक अच्छे इंसान नहीं हैं, तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझ रहे हैं आप। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है हमारे लिए, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन। आपके इतने करीब आना, आपसे इतने बात करना, मैं पहला दो सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर, बाकी लोग भी ढेर है। डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप बताऊंगा। हाँ मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वोट दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहले नंबर पर आप बोलते हैं कि मजहब की बात क्यों कर रहे हैं। तो मजहब की मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि लोग मजहब को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, मसावात, कोई फर्क नहीं। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और जो आप बोलते हैं कि मजहब की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं, इसके बाद कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है खुदा। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप कहेंगे जो इंसानियत है मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, फर्क है ना। कई बातें हमारी यकसा रहेंगी, कई बातें नहीं भी रहेंगी, समझ रहे हैं ना आप। कितने बात में भी मैं डिफर, आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो तो झगड़ाऊंगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है, हमें और आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में 10 डॉक्टर हों, सबको मिला के सबसे ऊपर हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला, वो बेहतर जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है। तो वो जब मैं कहता हूँ तो वो सबसे बेहतर है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी आयत, एक भी लफ्ज ऐसा नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ हो। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी। तो इंशाल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते हैं सवाल पूछने का, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है, उस गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितनी पहले किताबें आई हैं उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाले खुदा ने कहा है कि जब आपका शौहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं कहता हूँ इस किताब में मिलावट है। किसकी तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता है ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लेकिन लिखा है वेद में, कुरान में क्या लिखा है, पहली हिदायत इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देता है तो गलत कर रहा है, उसको सजा मिलेगी। आप समझ रहे कि नहीं। मुसलमानों को मत देखो। तो इसीलिए जब मैं कहता हूँ इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी फिल्म से आता है, अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह ताला के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुसलमान। मैं तकाबले मजाहिब का तालिब इल्म हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इस पर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है शायस्तगी के बारे में, बाइबल में भी लिखा हुआ है जो मैं कर चुका हूँ अमेरिका सेट में। तो मैं ये इंसानियत लेकर आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरी पूरी तकरीर में कोई भी एक गैर इंसानी बात की मैंने? एक भी गैर इंसानी बात नहीं की। अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात की है तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मैंने कोई गैर इंसानी बात की? नहीं की। आप समझ रहे हैं ना। तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए वक्त के साथ हर चीज बदलती है। के कुरान और बाइबल के मुताबिक जैसे लिखा था कि आदम ने कि वो पहले इंसान थे जो आए, उसके बाद जैसे आपने बताया कि एक ही पैदाइश के लोगों ने जिंसी अमल किया, आपने कुछ ऐसा बताया था कि आपने बताया था कि शायद उनके रिश्ते नहीं थे, आपने बताया था कि शायद उनके रिश्ते नहीं थे। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, जैसे वक्त के साथ आपने अभी बताया कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, ये मुझे खुद पता नहीं था। क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल सिरातुल हक को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक ही